Welcome back. Chemical reactions and equation chapter में हमने ये देखा कि chemical reaction क्या होता है. फिर chemical reaction को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि let us know how to write the chemical reaction. And we know that chemical reaction is when two or more compounds mix together to form something new and the product that is formed, उसका जो property होता है वो पूरी तरीके से अलग होता है. So what is a chemical reaction in which few substances combine, react together to give new product and the product has totally different properties as that of the reactant. Now we encountered a problem that we need to write this chemical reaction. So we cannot write it in words कि भाई मैग्नीशियम को हमने जला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता. कैसा हो सकता है? हमें इसे साइंटिफिक मेथड से लिखना पड़ेगा, एक ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि उस तरीके में सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, है ना. फिर हमने केमिकल इक्वेशंस बनाने स्टार्ट किए. वी रिप्रेजेंटेड द केमिकल रिएक्शन in terms of symbolic representations and chemical formulas. तो हमने चेक किया कि हम chemical reaction को ऐसे लिख सकते हैं, A plus B is equals to C plus D, जहां पे A क्या है, A एक element हो सकता है या फिर एक compound हो सकता है, ठीक है. बी भी एक एलिमेंट हो सकता है या फिर एक कंपाउंड हो सकता है. आई होप आपको पता है एलिमेंट और कंपाउंड क्या है. एलिमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल है, लाइक कैल्शियम, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, खैर इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. और जितने एलिमेंट्स हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना. सो ऑल दोज प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स. तो ये ए एलिमेंट भी हो सकता है और बी भी एलिमेंट हो सकता है या ए कंपाउंड हो सकता है. कंपाउंड मतलब जो इन एलिमेंट्स से मिलके ऑलरेडी बने हैं, जैसे HCl, जैसे H2SO4, जैसे NaOH, ठीक है, जैसे MgO. आप इन सभी चीजों को देख लीजिए, ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि ये दो या दो ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं. जैसे इसमें क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन. पर आप पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है. जैसे H2SO4, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है और इन सबका एक प्रॉपर पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में. अगर इन्हें हम अकेले लेते हैं तो वो एलिमेंट कहलाएगा, बट अगर ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे नमक, नमक क्या है, NaCl, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड. अब सबको चेक कर लीजिए, ये सब क्या है, कंपाउंड है. तो हमारे केमिकल रिएक्शन में ए एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, इसके साथ भी एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, और सी भी एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, और डी भी एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है. चलिए ये बात तो क्लियर हुई. इसके अलावा हमने देखा कि जब हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब जो चीजें रिएक्ट हो रही हैं, जिन्हें हमने एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट. फिर ये रिएक्ट होते हैं और ये बनाते हैं प्रोडक्ट. तो सी और डी प्रोडक्ट हुए, ए और बी रिएक्टेंट हुए.
हमने चेक किया कि हम बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे केमिकल रिएक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट भी बताएंगे। हम बताएंगे कि ये सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि गैस है, कि एक्वियस सॉल्यूशन है, और ये इंफॉर्मेशन हम हर एक पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करेंगे जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये गैस में हो, ये सॉलिड में हो सकता है कि ये एक्वियस सॉल्यूशन में आ जाए, हो सकता है कि ये गैस बन के इवॉल्व हो जाए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने अब तक डिस्कस करी, और हमने अब तक बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को लिखकर चेक किया, जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ी, हमने चेक किया। बहुत सारे केमिकल इक्वेशन में हीट निकली, हमने हीट प्रोवाइड किया नहीं, ऑटोमेटिकली रिएक्शन के बाद हीट इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। जैसे चूने को हमने पानी में डाल दिया, व्हाट इज चूना? चूना इज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, एंड व्हेन वी एडेड दिस टू वाटर, ओके, इट गिव्स अस स्लेकेड लाइम। व्हाट इज स्लेकेड लाइम? अब हमको ये रिएक्शन लिखना है कि चूने को हमने पानी में मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे भाई, चूने को हमने पानी में मिलाया तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, ये हमारी एक रिएक्शन होगी। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, H2O क्या है, ये भी एक कंपाउंड है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो इस केस में ये दोनों कंपाउंड हो गए। दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और इन दोनों ने मिलके ये बना लिया। ठीक है, अब हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के बाद देखा कि वेदर द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड, एंड हाउ टू चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी इक्वेशन के आएंगे, कैल्शियम कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1, यहाँ पर भी चलो 1 ही है, मतलब कैल्शियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ये एक और ये एक, कितने हो गए 2, और यहाँ पर O, होल्ड टू द पावर, होल्ड टू द जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, तो टोटल O हो गए 2, LHS, RHS दोनों जगह ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो सब कुछ बैलेंस है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने थ्योरेटिकल नॉलेज भी लिया, नोट्स भी बनाए, और इसके बाद हमने देखा कि ये जो रिएक्शन होती है ये कितने टाइप की होती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है या फिर हीट ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो रही है, इस हिसाब से भी हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा कि कुछ 2 या 3 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं एक नया प्रोडक्ट। सो द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 सब्सटेंसेस कंबाइंस टू गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो रहे हैं। इसके भी हमने एग्जाम्पल्स चेक किए, आपको कम से कम 3 से 5 एग्जाम्पल्स लिखते आने चाहिए विथ प्रॉपर फिजिकल स्टेट्स। फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा जो कि इसका एग्जैक्टली उल्टा है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें मिलाना पड़ता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको तोड़ना पड़ता है, डिकम्पोज करना पड़ता है, और डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए व्हाट वी नीड इज एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस and if I want to break this, I want to decompose this, I need to apply energy in order to break it.
पर मैं ये एनर्जी से केमिकल्स को या कंपाउंड को नहीं तोड़ सकता, है ना। मैंने लाया नमक NaCl और NaCl को यहां रख दिया और मैंने कहा भाई तोड़ो इसको, तो आप इसे हाथ से तोड़ पाएंगे या आप इसे हथौड़े से तोड़ पाएंगे? हैमर का भी कोई काम नहीं होगा। सो हम एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे NaCl को तोड़ने के लिए? हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये दोनों केसेस हमने डिकम्पोजिशन में पढ़ा है। जिस केस में, जिस रिएक्शन में हमने हीट को यूज करके केमिकल को तोड़ा है, डिकम्पोज किया है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, और जहां पे हमने इलेक्ट्रिकली एनर्जी प्रोवाइड की है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। हमने किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया इसके पहले एपिसोड में? वाटर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको जरूर जरूर उसे बहुत अच्छे से समझना है और उसमें बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है, ताकि कुछ भी पूछ लीजिए आप वहां से आपको आना चाहिए। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि एनोड क्या होता है, एनोड वो वाला कैथोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और कैथोड वो वाला टर्मिनल होता है, वो वाला कैथोड होता है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव टर्मिनल पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है और पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सी गैस कनेक्टेड होती है, है ना। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो, बिकॉज ऑल दिस कैन गिव यू आंसर्स फॉर टू मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 2:1 का रेशियो होता है, ये भी आपने देखा है, उसे भी अच्छे से समझें कैसे है, क्यों है। यहां तक समझने के बाद, इतना केमिकल इक्वेशन पढ़ने के बाद, एक चीज तो पक्की है कि केमिकल रिएक्शन कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, वो एक चीज को फॉलो करेगी और वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। कि जितना मास हमने लिया है उतना ही मास प्रोडक्ट में आएगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, एंड दैट इज द रीजन, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, इसी की वजह से हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि बैलेंस करते वक्त हम ये बताते हैं कि जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है उतने ही एटम प्रोडक्ट में है, ओके। दैट इज व्हाई द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमने ट्रायल एंड हिट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन किया, टेबल बनाकर चेक किया, और उसका भी प्रोसेस है जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। हमने जो इक्वेशंस के लिए इसे प्रैक्टिस किया, उसके अलावा बचे हुए इक्वेशंस के लिए आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हम किस काम के। एंड यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी, बट यू नीड टू ट्राई। अगर आप खुद से ट्राई नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, और गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन दोनों से बहुत ही आसान है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हम सॉल्व कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज आपकी NCERT बुक से एसोसिएटेड है, और याद रखिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैक्सिमम एक्टिविटीज से ही आते हैं, तो ये चीज का ध्यान रख के आप एक्टिविटी को फोकस से पढ़िए, उसे ऐसे ही साइड में मत रखिए कि एक्टिविटी ही तो है हम नहीं पढ़ते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसी जगह पर आपका डिसाइडर होता है कि आप 90 के ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। अब मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन,
ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इसमें मैंने एक नेल लाया, ठिल्ला नेल, और इस नेल को मैंने यहां पर टिका के रख देना है। मतलब मैंने इस नेल को यहां अटका के रख दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा है, इसे नीचे बनाना चाहिए था क्योंकि ग्रेविटी भी काम करेगी, पर ठीक है। ये पूरा डूबा हुआ है खिल्ला इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर का है, इसे हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। कितना लेना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? 10 ml ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आधे घंटे बाद आए तो हम क्या चेक करते हैं? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये खिला ऊपर ले रहेगा, अपने वेट के कारण ऑटोमेटिकली नीचे खसक जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम फिजिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें फिजिक्स की चीजों से उसका उल्लंघन कभी नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहले तो खसक के नीचे आएगा, पर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम ग्रेविटी पे फोकस ना करके ये फोकस करते हैं कि जब हम आधे घंटे बाद आए और चेक किया इस सॉल्यूशन में क्या हिसाब है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई जो ब्लू कलर है वो फेड हो गया है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैज फेडेड। फेडेड मतलब ये अगर डार्क ब्लू कलर होगा तो ये ऑलमोस्ट स्काई ब्लू हो गया होगा, या स्काई ब्लू कलर में भी और पानी डाल दो तो बस वो ब्लू कलर का कभी रहा होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ब्लू कलर पूरा फेड हो गया है, और हमने इस खिले को निकाल कर चेक किया, इस खिले को मैंने बाहर निकाला और इस खिले को मैंने चेक किया, तो इस खिले के ऊपर में एक लेयर बन गई है, कौन से कलर की? लाइट ग्रीन कलर। देखिए ये सब चीजों को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस खिले पे एक लाइट ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना? अच्छा गाना है कैसे हुआ, कबीर सिंह का, बट ये कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, ये हमें पहचानना है और ये हमें पढ़ना है। अगर इसका कंसेप्ट हमें समझ में आ गया तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चेक करते हैं यहां पर क्या हो रहा है, कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लिया। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, अब आपको पहले तो वो आना चाहिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस नेल हमने डाला, हमने कौन सा नेल डाला, आयरन नेल, आयरन नेल मतलब Fe। अब हमने ये चेक किया कि ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट एक सल्फेट सॉल्यूशन है, किसका सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर का, तो ये एक कंपाउंड है ना, और ये क्या है, ये एक मेटल है, और ये कंपाउंड किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, तो हम लिखेंगे ये एक मेटल कंपाउंड है, कॉपर का कंपाउंड है और ये आयरन का कंपाउंड है, आयरन का मेटल, आयरन एक एलिमेंट है, आयरन का एलिमेंट है ना। अब हमें ये पता होता है कि बहुत सारे एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंगनीज है, जैसे आयरन है, ये सब प्योर स्टेट में कभी फॉर्म नहीं होते हैं, ये सब ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, है ना। ओर होती है हमारे यहाँ पास में, मॉइल है, जहां मैंगनीज ओर बनता है, बनता नहीं है, खदानों से मैंगनीज को निकाला जाता है, और ये मैंगनीज कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होता है, ये हमेशा किसी से चिपक के मिलेगा, तो हमें मैंगनीज ऑक्सीजन से चिपक के मिलता है, मैंगनीज ऑक्साइड,
और हम उसमें से उसे साफ करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और फिर प्योर मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो ये मेटल है, प्योर मेटल है, प्योर आयरन है। अब क्या होता है, सारे मेटल्स जो होते हैं, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर है ना, प्लैटिनम, ये सब मेटल्स हैं। ये मेटल्स में कुछ मेटल्स हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिव हैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर दो मेटल आ गए, एक कॉपर और एक आयरन। तो ये जो आयरन है, ये आयरन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। पहली बात आपको ये समझना है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो Fe क्या करेगा, कॉपर को बोलेगा तू अपनी जगह से हट जा और मैं तेरी जगह पर आ जाऊंगा, और फिर ये इस प्रकार एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि Fe ने कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, और इसीलिए इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, क्यों डिस्प्लेस किया, इसीलिए डिस्प्लेस किया आयरन ने कॉपर को, क्योंकि आयरन इज ए मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन द अनदर मेटल कॉपर। पर अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो कॉपर आयरन को हटा पाएगा क्या, नहीं हटा पाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव और कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो इस प्रकार के रिएक्शन में जहां पे वन मेटल विच इज मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जैसे यहां कॉपर सॉल्यूशन में से कॉपर को ही हटा दिया, देन दिस रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड ये जो हमारा रिएक्शन है ये यहां पर हो रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ये जो है ये एक्वियस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। आयरन नेल, आयरन जो हमने यहां डाला है नेल, वो सॉलिड है, समझा लिखेंगे ये सॉलिड है। फिर हमने क्या देखा कि कलर जो है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर वो कलरलेस हो गए, तो हम यहां लिखेंगे कि इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। और कॉपर सॉलिड कहां जमा हुआ, ये पूरा कॉपर जो है यही तो है, ये जो लाइट ग्रीन कलर का लेयर है ये पूरा का पूरा कॉपर इस नेल के ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ा दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी। सो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, उसे पूरी पूरे प्रोसीजर से अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से समझते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। सो हियर वी गो गाइस। सो गाइस, हमने जो पहला एग्जाम्पल चेक किया उसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या मिलाया था, आयरन। अब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मिलाते हैं, तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक कॉपर को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, अगर है तो हटा देगा और अगर नहीं है तो नहीं हटाएगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। अब कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो हम देखेंगे ये ZnSO4 प्लस कॉपर, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 2। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज डिजॉल्व इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय द जिंक एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विच इज अगेन अ कलरलेस सॉल्यूशन
एंड दिस इज ब्लू कलर, हमेशा याद रखिए कॉपर सॉल्यूशन हमेशा ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसीलिए जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं है ना, यहाँ पे स्पिरिट आते हैं। हम कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि ये जो स्पिरिट है, ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो आजकल हम सैनिटाइजर में यूज़ करते हैं, इसके बाद में जो इथाइल अल्कोहल है जिसे जो वाइन शॉप में मिलती है, इसके अलावा कईयों प्रकार एक नेल रिमूवर भी आता है, वो भी एक अल्कोहल है पर उसको पीते नहीं है, है ना। तो ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं पर सब में थोड़ा थोड़ा केमिकल फॉर्मूले का डिफरेंस है, कुछ कार्बन और हाइड्रोजन का फर्क है। ये हम कार्बन कंपाउंड्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैं आपको कॉपर सल्फेट के बारे में बता रहा हूँ कि स्पिरिट होता है ना, जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है। सो इन हॉस्पिटल्स स्पिरिट के कंटेनर आते हैं और स्पिरिट का जो स्मेल होता है वो पूरा अल्कोहल को रिसेम्बल करता है, उसी के जैसा होता है। तो अब वहाँ पे बहुत बार आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल में कर्मचारी दारू पी के मर गए, वो एक्चुअली दारू नहीं होती है, वो स्पिरिट होती है जो दारू के जैसी ही होती है, वैसी ही लगती है, टेस्ट भी वैसा ही होता है, बट वो पीने वाली अल्कोहल नहीं है। तो क्या करते हैं हॉस्पिटल में, उस स्पिरिट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से मिला देते हैं ताकि वो पूरा सॉल्यूशन कौन से कलर का हो जाए, ब्लू कलर का। और इससे उन कर्मचारियों को ये समझ में आता है कि ये अल्कोहल वो वाली नहीं है जो हम सोच रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हुआ, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये आपको नोट करके रखना है जो मैं बोल रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं कह रहा होता हूँ, डिक्टेट कर रहा होता हूँ, आई होप अब तक के सारे एपिसोड्स में आपने उसे नोट करके रखा है, क्योंकि ये सब मैं आप लोगों को जो लिखवा रहा हूँ ये सब हाईलाइटेड पॉइंट है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। हाँ, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली, उसको डिस्प्लेस कर दिया। पर आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड है, या ऐसा जो भी आपका प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से आप लिखेंगे। ऑल्सो वी सॉ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। हमने यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखी है, बहुत जरूरी है। ये एक्वियस सॉल्यूशन होगा, ये भैया अपने सॉलिड मेटल होंगे, फिर ये एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि कलरलेस होगा, है ना, और कॉपर होगा ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर, ठीक है। और ये रेड ब्राउन कलर वो जो जिंक का स्ट्रिप होता है उस पे आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल भी बहुत आसान है, मैं कॉपर सल्फेट के साथ एक और मेटल ले लेता हूं जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे हमने पहले अभी जिंक लिया, इसके पहले आयरन लिया, अब मैं मैग्नीशियम लेता हूं, मैग्नीशियम। हाँ, तो मैग्नीशियम इसको हटा देगा और MgSO4 बना लेगा, और ये वाला सॉल्यूशन भी कलरलेस होगा और ये तो हमेशा ब्लू ही होगा। तो इस प्रकार से हमें इसके एग्जांपल्स को समझना है। एक प्रकार का पैटर्न है, उसे समझना है। एक और एग्जांपल, जब हमने कॉपर क्लोराइड को लिया, कॉपर क्लोराइड दैट इज कॉपर क्लोराइड, और इसमें हमने लीड, लीड मीन्स प्लम्बर, इसे मिलाने की कोशिश की। दिस इज लीड, लीड मेटल, सॉलिड इन नेचर, दिस विल बी एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो लीड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा पाओगे।
जी हाँ, फिलहाल तो लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम देखेंगे हमें मिलेगा PbCl2 प्लस कॉपर। तो आपको इस बात से एक चीज तो समझ में आ गई कि कॉपर को हर कोई आके हटा के जा रहा है, प्लम्बम ने हटाया, मतलब लेड ने हटाया, इसके पहले मैग्नीशियम ने हटाया, उसके पहले जिंक ने हटाया, उसके पहले आयरन ने भी हटा दिया, मतलब एवरीवन कम्स एंड डिस्प्लेसेस कॉपर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कॉपर जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल में से एक है। कॉपर जो है वो आसानी से रिएक्ट नहीं होता है, इसीलिए ना हम कॉपर के वायर यूज करते हैं, ताकि कॉपर के वायर बारिश में, धूप में, सर्दी में, ठंडी में जैसे के वैसे रहे, रिएक्ट ना हो। और आयरन को हम देखते हैं इजीली रिएक्ट हो जाता है, बारिश हुई नहीं कि रस्ट हो जाता है, कॉपर होता है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो गाइस, आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू एंड आई होप दैट कि आप लोगों को इसका जो पैटर्न है वो समझ में आया। जैसे मैं क्या करूं, मैंने अब लिया सिल्वर नाइट्रेट, ये एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है और ये बहुत बार आता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होगा, ये एक्वियस सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग मिलाएंगे सिल्वर। अब देखिए कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है ना, कॉपर से भी कम रिएक्टिव है सिल्वर, तो हम इसमें कॉपर मिलाएंगे, मतलब कॉपर को कौन नहीं हटाएगा, जो कॉपर से भी कम रिएक्टिव है, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है वो तो आके हटा के गए, पर कॉपर से कम रिएक्टिव कौन है, सिल्वर। तो सिल्वर हम चांदी के आइटम्स पहनते हैं जो रिएक्ट नहीं होते जैसे कि वैसे रहते हैं, तो कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, व्हाट विल हैपन हियर, द कॉपर विल डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। सो दिस विल बी CuNO3 ट्वाइस एंड दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट दैट हैज ऑकर्ड प्लस Ag। अब मुझे बताइए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, O कितना आ रहा है 3, पर यहां O कितना आ रहा है 6, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 O6 हो गया बराबर। N कितना है 2, N कितना हो गया 2 हो गया बराबर, ठीक है। कॉपर एक है, कॉपर एक है, Ag यहां 2 हो गया और वहां एक ही है, तो इसे 2 कर दो एंड दिस इज हाउ दिस इक्वेशन हैज कंप्लीटेड एंड दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, यहां पर भी हमने देखा कॉपर बींग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन इन द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड एज ए रिजल्ट कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन हैज फॉर्म्ड एंड ऑब्वियसली दिस विल बी ब्लू इन कलर, this will be blue in color and this is a colorless solution and this is a colorless solution. Okay, this is what we need to grasp. Now there are few more examples that I leave up to you guys. आप लोग ये याद रखिए कि आप लोगों को combination के 5 examples आने चाहिए, डिकम्पोजिशन के 5 एग्जाम्पल्स आने चाहिए जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इंक्लूड होना चाहिए और जो लीड नाइट्रेट को हम फ्लेम प्रोवाइड करते हैं वो एग्जाम्पल पक्का आना चाहिए। उसके बाद में ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके भी आपको मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स आने चाहिए लिखते प्रॉपर फिजिकल स्टेट के साथ। चलो गाइस, लेट अस स्टॉप हियर। In the next class, we will discuss about double displacement reaction.